Inglaterra. Coming home. Yeah. What we're doing is French country. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए मैच में को देखने के लिए, जो कि आज है इंग्लैंड वर्सेस ईरान। और ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं, ये है आपका खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि अभी कुछ मिनटों में जो मैच होने वाला है। तो अंदर ये देख रहे हैं आप भीड़, ये सारे देश भर से, पूरे दुनिया भर से यहाँ से लोग आया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कितने क्राउड है, कितने लोगों का इतना भीड़ है और इतना शानदार व्यू है। देखिए सारे यू ना अपने कंट्री को चेयर अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लोग आए हुए हैं। कुछ लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपके इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो मैच हो रहा है खलीफा में, वो आज इंग्लैंड और ईरान के बीच में हो रहा है। और बाकी आज के दिन में थुमामा स्टेडियम में भी मैच हो रहा है और साथ में अहमद बिन अली स्टेडियम में भी मैच हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये व्यू है आपका खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम का। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। देख रहे हो वहीं पे आप, कैमरा रिपोर्टर वगैरह सारे लोग हैं, पूरे दुनिया भर से देख रहे हैं। वहाँ भी कैमरा लेके खड़े हैं, जहाँ देखो वहाँ कैमरा लेके खड़े हैं। और हर बंदा यू ना अपना लाइव आना चाह रहा है, अपना वीडियो दिखाना चाह रहा है देश भर में। इतना मतलब ये वर्ल्ड कप ऐसा इतना अच्छा दिन है, इतना मतलब इसे देखने के लिए ना मतलब लोग सालों से वेट करते हैं, फिर भी मौका नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता है। और आज यू नो मेरे को इतना अच्छा सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पर फीफा का पार्ट हूँ और मेरे को मैच देखने को भी मिल रहा है। और मैं अंदर बाहर सब घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ और साथ में अपना काम भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अपना काम भी देख रहा हूँ, ड्यूटी भी देख रहा हूँ और साथ में
कभी मौका मिला तो अंदर भी चले जाते हैं, कभी बाहर का भी देख लेते हैं। और वैसे तो मैं टेक्निकल बंदा हूँ, तो मेरा तो टेक्निकल डिवाइसेस को ही मॉनिटर करना होता है, जो कि मेरा अंदर है डेटा सेंटर में। तो वहाँ जब इशू आएगा तभी मेरे को देखना पड़ेगा। टिल देन देखते रहो, विल रोमिंग अराउंड। We were singing the Iran fans were very loud as well. Yes. So, great game there. We're going all the way England. We're going to win the World Cup. We don't need alcohol. Ah, so you don't say to FIFA, give me alcohol. You don't need. Or maybe? Some people, not me. No alcohol. Tea time. Thank you very much. We'll take that yet. Maybe you're going to need that for next week. Yeah, maybe. No matter. Coming home. What were your days in French, I'm sure? I will remember it's coming home. I love that. Thank you very much. Thank you. You need to count some. Really?
करके दिखाया या नहीं दिखाया? सो गाइस, अभी तक तो इंग्लैंड ने 6 गोल कर चुका है और जो ईरान है इसने 2 गोल ही कर पाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ईरान जीत पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड ने 6 गोल चुका है, 6 गोल आई मीन 6 गोल कर चुके हैं और सारे लोग यू नो अब देख रहे हैं, इंग्लैंड वाले हैं सारे, तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो आई होप, जहाँ तक ये है कि मैं भी अभी निकल रहा हूँ, तो इंग्लैंड वैसे तो जीत चुका है क्योंकि टाइम भी ओवर हो चुका है, बचे हुए कुछ 2-4 मिनट ही बचा हुआ है। तो मुझे सो फाइनली इंग्लैंड जीत चुका है सक्सेसफुली 6 गोल से और ईरान 2 ही गोल दे पाया है। और मैं बाहर निकल चुका और अभी मैं ये देख रहे हैं, ये जो क्राउड देख रहे हैं ये सारे जो है ये मेट्रो के लिए हम जा रहे हैं। ये सामने जो है ये मेट्रो है और मेट्रो में देख रहे हैं आप कितना भीड़ मतलब मेले जैसा लग रहा है, मतलब